मेरे को गूज बम्प्स हो गए जब तुमने बोला है ना कि अरे आपका तो होना ही था. सो दिस इज हाउ द सोसाइटी चेंजेस. वो एक गिरगिट वाला होता है ना, दैट ना हैपेंस. अमेजिंग अमेजिंग. हाय एवरीवन, माय नेम इज अनुज जिंदल एंड वेलकम टू माय चैनल. टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, ईला साहू, who has cleared RBI Grade B 2020-2021 examination. The result has been declared very recently only. First of all, congratulations, Ela, on getting selected. I believe this was your second attempt and बहुत मुश्किल होता है. I can understand second attempt में ऐसे examination clear करना with such difficulty and with such competition. So first of all, congrats for that. Before starting with the interview, I would want to have a brief introduction about you, so that the students are aware कि आपका educational background क्या है, work ex है या नहीं है. Other than that, since when have you been preparing for RBI? And as I can see in the background, the UPSC is there, but how much did it contribute? How much did it not contribute towards your RBI prep? All these things. Very good morning to everyone, and thank you, sir. आपकी कोचिंग के मैंने दो मॉक टेस्ट दिए थे, उसने इनको काफी हेल्प किया था. स्पेशली सेकंड तक मैंने सर ने बोला कि आपकी कम्युनिकेशन और काफी स्किल्स काफी ज्यादा सही हो गई है, एंड ही सेड इट दैट यू आर गोइंग टू मेक इट इनटू द लिस्ट, एंड उससे बहुत ही मोराल हाई हुआ था. तो एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू. एंड सर आपने जैसे बताया सेकेंड अटेम्प्ट थी. हाँ सर, तो सेकेंड अटेम्प्ट थी बट फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार 2019 में दिया था ये पेपर, तो वो सिर्फ देखने के लिए दिया था कि व्हाट दिस पेपर डिमांड्स. तो 2018 में आई पास्ड आउट ऑफ एनआईटी रायपुर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तब मेरे को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी, तो देन आई स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन. मेरे क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसी में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब आरबीआई के बारे में पता चला, पेपर के बारे में पता चला, और देखा कि बहुत सही है. यूपीएससी वालों को मैं कहना चाहूंगी कि हर किसी का लेवल, मतलब पेशेंस लेवल भी अलग होता है. कुछ लोग बहुत साल बाद भी देते हैं, बट आई थॉट कि दिस इज नॉट जस्ट बैकअप की तरह, तो मैंने नहीं दिया था. मेरे को लगा कि दिस इज सीरियसली अ वेरी गुड एग्जाम, क्योंकि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी है. कई बार हमको ज्यादा ही स्टिक हो जाते हैं कि नहीं, मतलब वो तो अच्छा है पर यहाँ ये एग्जाम भी बहुत अच्छा है, और इसलिए मैंने एग्जाम दिया ताकि मैं चेक करूँ कि व्हाट दिस पेपर डिमांड्स. और फिर इसलिए इस अटेम्प्ट में मैंने जो डिमांडिंग चीजें थी वो बताऊंगी मैं, उस पर ध्यान दिया. और यूपीएससी सर हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन उसका, तो मैं मतलब क्योंकि फेज वन का के बाद मेरे पास सिर्फ 18 दिन थे. 18 दिनों में काइंड ऑफ मैंने मेंस की प्रिपरेशन किया. उसके पहले मैंने सिर्फ एक मैनेजमेंट कवर किया कर रखा था 12 दिनों में पहले, तो देखा जाए तो मैंने एक वन मंथ या उससे भी कम में अपनी पूरी मेंस की प्रिपरेशन की है. और उसमें ये मेन इसलिए क्योंकि जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज था वो पूरा यूपीएससी से मैंने पढ़ा हुआ था, तो यूपीएससी की वजह से ही मैं क्लियर कर पाई. और डिस्क्रिप्टिव का जो है उसमें ऑल्दो टाइपिंग था पर डिस्क्रिप्टिव में भी यूपीएससी ने काफी हेल्प की. तो मुझे तो लगता है कि एस्पिरेंट्स के लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है. आपकी प्रिपरेशन सही से यूज हो सकती है. और मुझे लगता है कि मेरे साथ और भी जो फेलो एस्पिरेंट्स है, 5 मेंस 5 इंटरव्यू, मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में हर चीज को इतना नहीं सोचना है कि यार अभी बस लगे रहो, कभी कभी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है. तो लुक फॉर द अदर अपॉर्चुनिटीज, तो उसके लिए मुझे आरबीआई काफी बेस्ट लगा. यस आई रिमेम्बर. तो कोई नहीं है, आपने पूछा था, क्योंकि मैं 3 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और अभी बस इस साल मैंने आरबीआई को फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट दिया. परफेक्ट परफेक्ट. मुझसे मुझे यहाँ से याद आ रहा है, येस्टरडे आई सॉ दिस मूवी, लैपटॉप पे मैं देख रहा था, एक बेल बॉटम करके मूवी आई है, और उसमें देर इज अ प्लान ए एंड देन देर इज अ प्लान बी एंड देन देर इज अ प्लान बैकअप ऑफ प्लान बी एंड देन देर इज अनदर बैकअप ऑफ प्लान बी. तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाला जाता है कि यार सीरियस एस्पिरेंट या सीरियस लोग प्लान बी नहीं रखते हैं. बट आई डोंट एग्री विद सर, यस होना चाहिए, होना चाहिए. जब से रिजल्ट आया है दिमाग में इतनी शांति है, दिस इज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ एवर, टच वुड. तो आई कैन अंडरस्टैंड, तो लगता है कि होना चाहिए. आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है वो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे ख्याल से हम जिस एरा में हैं हमें अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना चाहिए. ऑप्टिमिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए. वेरी नाइस वेरी नाइस. दैट वाज सपोज्ड टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद, बट आई थिंक यू आंसर्ड इट ऑलरेडी, और तुम्हारे फेस से दिख रहा है कि कितनी खुशी और कितना सेटिस्फेक्शन है.
and that sir, not just me, sir. I have failed in two prelims of UPSC. Sir, and those results I cannot tell you. Results aate the prelims ke. My father or my family, unki aankhein numb hoti thi. And wo look, I was like, I have been academically excellent throughout my life, top being a topper, NIT Raipur may be topper or ye sab. Achanak se jab UPSC mein itne lows and lows milte hain, you are like, aapko identity crisis hone lag jata hai. But abhi jab ye result aaya, is exam ka sab kuch clear ho gaya, abhi bhi unki aankhein numb hai. But the spark on their eyes, the happiness, it's like I could do everything now to have that smile on their faces. And that is priceless. That is what you live for. Perfect. Chalo, you have a lot to talk about phase one and phase two, as you said. So it'll be like a monologue. Main aapko pura stage de deta hun. So let's start with phase one. Phase one mein, you wanted to share some strategies so that the students are helped out. Go on, please. सर रिसोर्सेज तो सभी बता देंगे. आई थॉट कि मेरे पास कम टाइम था क्योंकि मुझे दोनों थोड़ा मैनेज करना था. व्हाट आई डिड वाज मैंने कुछ मॉक्स दिए थे दो तीन प्लेटफॉर्म्स के, और मैंने मॉक थोड़ा बहुत जितने पढ़ाई की हम इंजीनियर्स और काफी आईएमओ एनओसी काफी आई हैव वन, तो पता था कि ये सब सही है. दिक्कत ये थी कि टाइम बाउंड मैनर में कैसे सही करना है. तो मैंने ये किया था कि मैंने सोचा कि रीजनिंग में एक पेपर में मैंने सिर्फ जो बड़े पैराग्राफ होते हैं ना, मैंने दो तीन बड़े पैराग्राफ सॉल्व करके देखे कि हाउ आर मैम स्कोरिंग, उसमें ठीक था. फिर मैंने काफी सारे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखे कि क्या सही रहेगा, पर मुझे लगा कि यार ये ऐसा तो मैं नहीं कर सकती. तो मुझे लगा कि कुछ तो मिक्स ऑफ बोथ अप्रोच करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया एक्चुअल एग्जाम में भी, उसके पहले एक दो मॉक में भी, कि ऐसा मिक्सअप ऑफ किया, एक बड़ा क्वेश्चन ट्राई किया अटेम्प्ट करने का, क्योंकि उसमें क्या होता है आंसर आ गया तो ठीक है, वरना ना यू वेस्ट टाइम और स्मॉल क्वेश्चन चले जाते हैं. सिलोजिज्म मैंने जो जितना भी यूट्यूब वगैरह से पढ़ा था, बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उसका. तो आप कैसे उसके क्वेश्चंस को आप छोड़ो ना. बड़े क्वेश्चन के साथ काफी सारे मैंने स्मॉल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. तो इस तरह से मैंने अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का वो रेंज काफी बढ़ा लिया इसमें. तो उसकी वजह से मेरे रीजनिंग में काफी अच्छे मार्क्स आए थे. इंग्लिश में भी, इंग्लिश तो खैर सबका अलग अलग है, मैं आईसीएसई वाली हूँ तो आई हैव एन एज देयर, तो काफी अच्छा था. उसके अलावा तो आई वुड जस्ट से कि मॉक से थोड़े रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखे, और बेसिकली आपको एग्जाम को डिमांड को समझ के ये देखिए कि How are you maximizing your score? आपको बहुत ही बेस्ट करना है, जैसे कि 64, 66 कट ऑफ है और मेरे 74 टोटल मार्क्स है, मतलब जो टोटल मार्क्स है. तो ये सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत सही थे. मुझे लगा फेज वन में दिस हेल्प्स, दिस वर्क फॉर मी. और बाकी तो प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द की हर चीज के लिए. कमिंग ऑफ फेज टू, आई वुड से कि फेज वन के बाद ही आप पढ़ना भी शुरू कर दीजिए फेज टू के लिए. कि मैं तो इतनी श्योर नहीं थी क्योंकि पेपर काफी टफ था. जीए ने भी काफी, मतलब इस बार के स्टैंडर्ड बहुत ही हाई सेट किया आरबीआई ने. तो फेज टू के लिए मेरे को थोड़ा कम टाइम मिला रिजल्ट आने के बाद. पर फेज टू के लिए भी व्हाट आई डिड वाज जो भी कुछ मटेरियल्स थे मैंने इस वक्त आई वुड ऐड कि जो काफी लोग करंट अफेयर्स के पीछे काफी भागते हैं कि न्यूज़पेपर ये सब, उसके लिए जैसे मैंने तो आपकी स्पॉटलाइट ही पढ़ी थी एंड दैट रियली हेल्प. उसमें भी अब ऑब्वियसली इतने सारे पेजेस हैं तो आप कुछ स्मार्टली करिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए वो क्या बोलते हैं एक्रोनिम बना किया ऐसे कुछ पढ़ लीजिए. पर न्यूज़पेपर्स एंड अदर्स के पीछे भागने के बजाय आपकी स्पॉटलाइट और स्पेशली एंड ऑल्सो आपने जो आरबीआई के कुछ मटेरियल निकाले थे ना फाइनेंस के, वो इंटरव्यू में वो तो बहुत ही काम आए थे. राइट, मतलब न्यूज पेपर जिसको जितना पढ़ सकते हैं, पर आई वुड से कि आपका वो जो क्रक्स है ना वो दैट इज मोर देन सफिशियंट. वो हर फेज ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है. और फेज टू में भी आई वुड से कि अब क्योंकि पैटर्न भी चेंज है तो आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पे भी ध्यान देना होता है. आई एम अ बोर्ड टॉपर तो मेरे को पता था कि डिस्क्रिप्टिव में आई हैव एन एज, मेरे को बस कंप्यूटर टाइपिंग पे वर्क करना था क्योंकि दैट वाज इनडीड अ चैलेंज. और इसमें भी काफी मिसकंसेप्शंस थे कि 600 वर्ड कैसे लिखेंगे, 400 वर्ड कैसे लिखेंगे, 2000. आई फेल्ट कि मैंने तो शायद 450 लिखे होंगे 600 वर्ड में, और या कभी थोड़ा कम ज्यादा, और 300-350 लिखे हैं 10 मार्क्स के लिए. बट दैट वॉज ऑल एक्सट्रीमली क्वालिटी बेस्ड. मैंने एकदम कोशिश की, जैसे जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने 1, 1.1, 1.2, मतलब उसमें वो इंटरफेस इतना अलाउ नहीं करते हैं, पर मैंने कोशिश की कि मैं कितना पॉइंट वाइज अपनी बातों को रखूँ, पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज ना लिखूँ. तो कैसे आप उसमें भी प्रेजेंटेशन अपनी इम्प्रूव कर सकते हो कि पॉइंट वाइज ये सब लिख के. बाकी तो आई गेस फेज टू के लिए मोस्टली यही कि प्रेजेंटेशन, टाइपिंग स्पीड, थोड़ी अपने आपको प्रेजेंट करना सीखिए, उसमें टेस्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट. और बाकी स्मार्ट स्टडी करिए. आपको सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने बुक्स तो पढ़ी ही नहीं, टाइम था ही नहीं. पर भाई कोचिंग के आपके या बाकी और जो दो तीन मटेरियल्स थे उसको कैसे सही से यूटिलाइज कर सकिए, क्योंकि 18 दिनों में मेंस ऐसे तो क्रैक होगा नहीं. तो इस हाउ टू सिलेक्टिवली एंड स्मार्टली स्टडी, वो एक
आपको सीखना चाहिए व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स. राइट राइट. रिवर्स इंजीनियरिंग पे यू हैव फोकस्ड इन द स्टार्टिंग आल्सो एंड आई बिलीव इन फेज टू और बिफोर फेज टू आल्सो यू वेंट अहेड with reverse engineering only again, once again. So I would want to highlight this point because बहुत सारे students समझ नहीं पाते. It's a very easy thing to do and understand. But बहुत सारे students हैं हमारे आसपास जो समझ नहीं पाते, who don't understand how to carry it out. So what exactly do you do? मेरे को लगता है सर एक perfect balance होना चाहिए कि आप वो भी करिए पर मतलब एक दिन अपना टाइम को प्लान करिए. जैसे कि जब 18 दिन बचे थे तो मेरे दोस्त ने बोला भाई 15 घंटे पढ़, ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ. मैं मैक्सिमम 8 टू 10 आवर्स ही पढ़ पाती थी. इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मैं कितना भी कोशिश करूँ बट द 10 आवर्स वर द मोस्ट प्रोडक्टिव वंस. आई हैड इट ऑल प्लान्ड ऑन द प्रीवियस नाइट कि कल क्या 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 पढ़ूंगी. तो एक प्रॉपर प्लानिंग आई गेस इज द की कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी इतनी देर करो बट एट द सेम टाइम यू आर रिवाइजिंग अदर स्टफ ऑल्सो कि आप पैरेलली चलते रहे. I think this reminds me of my brother used to say ki 8 ghante se zyada ek to nahi pad sakte. So people who say 15 ghante 20 ghante pad rahe hain, they are all bluffing. Secondly, I remember hamare UPSC mein ek teacher hua karte the when I was in one of the institutes, and he used to say that I'm waiting for that day when somebody would clear UPSC and wo bolenge ki जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरी मम्मी ने मुझे बोलना शुरू कर दिया था व्हेन आई वाज इन द वूम्ब दैट आई वांट यू टू बी अ सिविल सर्वेंट. सो एक और जो क्रिएट किया जाता है आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. 7-8 घंटे पढ़िए यूपीएससी के लिए, दैट इज इनफ. आई थिंक फॉर आरबीआई 5-6 आवर्स इफ यू आर ओनली एन आरबीआई एस्पिरेंट, 5-6 महीने पढ़ेंगे तो दैट शुड बी मोर देन इनफ. राइट कुछ लोगों को पता ही नहीं होता प्लान थिंग्स. प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है. Right, right, right. Let's jump on to the interview now. I think you had some pointers in the interview that you wanted to talk about. Please go ahead. Okay. से पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि this was my very first interview क्योंकि मैंने कॉलेज में कैंपस में बैठा ही नहीं था. I was very clear that I had to do civil service तो मैं कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठी थी and I was very very scared कि मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू और वो इतना बड़ा होने वाला है. So much depends on it. तो वो डर बहुत ज्यादा था. But I would say कि कभी कभी ना आपको खुद में बिलीव करना बहुत जरूरी है. वो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ना, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन बट इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर राइट. तो खुद पे बिलीव करना इंटरव्यू के पहले भी बहुत अजीब सा और वो बहुत नेचुरल है लगना. आपकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है और बहुत अलग चीज होती है. बट उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है वो है आपका कॉन्फिडेंट रहना और कैसे आप उस प्रेशर को हैंडल करके एक बहुत ही काम और कंपोज अपने आप को रख पाते हो क्योंकि वही पोर्ट्रे भी होगा एंड देट रियली हेल्प. और इसमें सर बेसिकली इंटरव्यू के लिए तो मेरे ख्याल से मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई की थी क्योंकि काफी डिले हो गया था, बहुत सारी चीजें थी. तो मैंने काफी पढ़ा था, चाहे आप वेबसाइट से हो, आपके फाइनेंस के जो थे चीजें या न्यूज़पेपर्स भी कवर किए थे क्योंकि आपका एक वो थॉट बनना चाहिए ये सब चीजों के लिए. बट उसमें भी आई वुड से कि इंटरव्यू में जब मैं इंटरव्यू देके निकली तो आई वॉज सेटिस्फाइड. पर कहीं ना कहीं टेक्निकल क्वेश्चन में मुझे लगा कि अरे यार उसमें ना कुछ ऐसा ऐड कर देना था, कुछ एकदम कि ऐसा लगा कि मेरे आंसर्स काफी रॉ थे, काफी कोर्स थे. Considering कि मैंने काफी बैलेंस ऑफ शीट पढ़ी थी, ये सब पढ़ी थी, वो सब टेक्निकलिटीज में ऐड ही नहीं कर पाई इतनी. तो मुझे लगा कि यार कि पता नहीं कैसे होगा. पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो उस समय में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से रॉ आंसर से देते हो ना, शायद वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनको ये नहीं समझना है कि आपने सर बीओपी में हमने 13.88 बिलियन का इतना किया. वो तो सुनने ही नहीं आए हैं चाहे आप कितना भी पढ़ लो. ऑल्दो मैंने सब कुछ पढ़ा था पर वो जो कोर आंसर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस घर आके मैंने काफी स्पेक्युलेट किया कि यार पता नहीं कैसा था. But I think they are really important क्योंकि वो आपकी personality judge कर रहे हैं. They are not there to take knowledge. मैंने बहुत दो तीन questions में I'm sorry sir बहुत ही प्यार से पर sorry sir panel को बोला. और एक और चीज की जैसे मैं और काफी सारे aspirants इस बार काफी ये कर रहे थे कि जैसे हमसे ना ये पूछा गया था कि जैसे कि gap year को जब explain करना पड़ा तो civil services तो आएगा ही. तो उसमें ऑप्शन पर थोड़ा बात हो रही थी कि व्हाट वाज योर ऑप्शनल, क्या सीखा. काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन था मेरे केस में भी और बाकी एस्पिरेंट्स के केस में भी. तो हमने जैसे कि मैंने तो काफी अच्छे से डील किया उनके जो भी पॉइंट्स थे, जितना मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए अपना बेस्ट कोर्स वो किया. कुछ एस्पिरेंट्स आके ऐसा कर रहे थे कि यार हमें टेक्निकल में हमने इतना अच्छे से नहीं बोल पाए पर हम यूपीएससी के आंसर में काफी दिख पाए, कहीं वो सीएससी बायस ना दिखा हो. और ये सब बातें कि हमेशा जैसे पोर्ट्रे ही नहीं करना चाहिए खुद को सीएससी.
आपको जो लगता है सीएससी में भी यदि आपका ऑप्शन है वो पूछे, वो जानना चाहते कि आपने सीखा क्या है आपके लाइफ में, क्योंकि आप इतने साल से प्रिपरेशन करते हो तो वो कुछ बुरा प्ले नहीं करेगा. मतलब इसलिए मैंने अपना बेस्ट पुट किया जब भी मुझे था, और ऑब्वियसली मैंने टेक्निकल थोड़ा ज्यादा अच्छे से अपने ऑप्शनल को बता पाया, क्योंकि वो उसमें वो मेरे व्यूज मांग रहे थे. मैं एंथ्रोपोलॉजी वाली हूँ तो काफी व्यू ओरिएंटेड था, और उन्होंने काफी चीजें पे चेक किया मेरे को. तो आई वुड से दिस कि आप ये सब स्पेकुलेशन में ना फंसे. ऑल्दो होता है घर आके आप बहुत ही सब करते हैं, बट ये सब मत करिए. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ उस सिचुएशन में भी आप कैसे स्माइल कर पाते हैं. जैसे जब वो गुड आफ्टरनून कर रहे थे तो मैं वो ट्राई नहीं करना पड़ा मेरे को, मैंने ऑटोमेटिकली गुड आफ्टरनून सर या ऐसे. तो एक वो जब आप खुद से शांत रहते हैं ना तब वो एक स्माइल, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं ना इट मीन्स कि आप सही से वो मतलब यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, और वो काफी अच्छा वो करता है. वो आपकी टीम स्पिरिट और ये सब चेक करने आ रहे हैं. बाकी प्रिपरेशन तो पूरी करिए टेक्निकल की सबकी, मैंने भी बहुत पढ़ाया उसके लिए, पर एट द एंड इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आपकी पर्सनालिटी के बारे में. तो वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू में. तो आई थिंक व्हाट यू हैव सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली बहुत बोलता हूँ ये बार बार, आई डिड नॉट गेट अ चांस आई थिंक टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ मॉक इंटरव्यू, बट आई थिंक मनीष सर टुक योर इंटरव्यू. तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इट्स 50% योर पर्सनैलिटी एंड 50% यू नो योर कॉन्टेंट. तो अगर आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे अच्छी नहीं आ रही है, इफ यू आर एंशियस, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू आर नॉट एट ईज विद योर सेल्फ, तो आपके नंबर 75 में से 37.5 तो वहीं चले गए आपके, फॉर एग्जाम्पल. सो यू आर ओनली प्लेइंग आउट ऑफ 37.5. और नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 37.5 पे ही प्ले करते हैं, पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं. सो आई थिंक यू प्लेड वेरी वेल आउट देयर. इसके ये मॉक्स का रोल तो आई वुड से, क्योंकि जब आप पहली बार मैंने आपका मॉक दिया था, मैं थोड़ी फास्टली, मतलब आदत ही है मेरी फास्ट बोलने की, बहुत ही कोशिश करके स्लो बोलना पड़ता है. अभी तो एक इंटरव्यू दे के थोड़ा स्लो हुआ. पहले मॉक में सर बोले कि आपका बहुत फास्ट है, और मैं यूजुअली मुझे लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं शायद इतनी नहीं थी, मैं नर्वस थी. ये कुछ चीजें होती है आपको समझ नहीं आती आपके बारे में. तो एवरी फेज, चाहे फेज वन हो फेज टू हो, मतलब पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है ना उतना ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसके लिए आप बेसिकली एनालाइज कर पाओ. तो जैसे मैंने काफी मॉक टेस्ट दिए इंटरव्यू में, एंड दैट रियली हेल्प, क्योंकि इंटरव्यू के दिन मुझे लगा नहीं कि दिस इज माय फर्स्ट. इट वाज लाइक अरे इतने सारे मॉक दे चुकी हूँ तो ये एक और सही. और तभी सेकंड मॉक में मुझे सर ने बोला कि नाउ यू हैव इंप्रूव्ड ऑन आई कॉन्टैक्ट, मैं वो भी ढंग से नहीं कर पाती थी. अभी आई एम ए वेरी गुड पोजिशन. तो आई वुड से कि ये क्या बोल रही थी मैं, हाँ कि ये मॉक्स टेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है. तो प्लीज इसको अंडरमाइंड मत कीजिए. लाइक 18 दिनों में भी आपको प्लान करना है कि आप टेस्ट भी दे सके, रिवाइज भी कर सके, और सब कुछ प्लान करके चलना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट परफेक्ट. आई थिंक तुमने सब कुछ बोल ही दिया है, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर आउट ऑन द टेबल. बिफोर वी फिनिश ऑफ विद द इंटरव्यू, एनी लास्ट टिप अदर देन टेस्ट्स, एनी लास्ट टिप दैट यू वांट टू सेंड आउट टू ऑल द एस्पिरेंट्स? आई वुड जस्ट से कि बिलीव इन योरसेल्फ, और हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, और लुक आउट फॉर द थिंग्स दैट आर देयर. जैसे कि इन दिस आई फाउंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वरना मैं अभी भी उस राइटर में फंसी रहती. और अभी भी आई हैव, अगर मैं चाहूँ तो अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ अपने प्रिपरेशन के साथ. मैं ऐसा तो नहीं कर पा रही हूँ, बट आई वुड से कि कुछ लोग बहुत स्टिक करते हैं, और फिर काफी सारी चीजें, मतलब काफी डिस्कशन भी थे कि यूपीएससी इज प्लेइंग विद द लाइफ्स. यूपीएससी इज नॉट प्लेइंग विद योर लाइफ्स, यू योरसेल्फ आर प्लेइंग विद योर लाइफ्स. तो आपको कभी कभी वो ईगो साइड में रखना पड़ता है कि यार मैं इला सा हूं, आई वाज ऑल टाइम टॉपर, हाउ कम आई एम नॉट क्लियर इट. ईगो से हटा के एक रियल लाइफ पिक्चर में आई है, एंड बिलीव योर सेल्फ, क्योंकि काफी अच्छे से कर सकते हैं. एंड यूपीएससी पीपल आई गेस कि उनकी प्रिपरेशन जो है उनको रियलाइज नहीं होती है, पर वो बहुत हेल्प करती है. तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, आपको रिजल्ट हो सकता है आज नहीं दिखे, कल नहीं दिखे, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन रिजल्ट्स विल बी देयर. सो कीप ऑन डूइंग पेशेंस. मतलब अब ऐसा लग रहा है ना, 3 साल थे ही नहीं लाइफ में, वो 3 साल का हर एक स्लीपलेस नाइट, इतना वो रोना धोना डज नॉट एग्जिस्ट. अभी इट वॉज ऑल वर्थ इट. तो पेशेंस एंड परसिवरेंस आर रियली रियली इम्पोर्टेंट. राइट. आई थिंक बहुत सही बोला है तुमने कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, एंड द प्रोसेस इज वेरी फ्रूटफुल. एंड यूपीएससी इज नॉट प्लेइंग विद आवर लाइव्स, वी आवरसेल्व्स आर प्लेइंग विद आवर लाइव्स, क्योंकि एक वो ईगो आ जाती है बीच में कि यार ये निकालना जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी डालती है हमारे दिमाग में, अरे इसका नहीं हुआ, इसका कैसे नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ. और बोलते तो हमेशा ही है,
तो लोग कहेंगे से ऊपर उठिए और वो सोचिए जो आपको और आपकी फैमिली को चाहिए, और खुद पे ट्रस्ट करिए। मेरे को गूज बम्स हो गए जब तुमने बोला है ना कि अरे आपका तो होना ही था. सो दिस इज हाउ द सोसाइटी चेंजेस. वो एक गिरगिट वाला होता है ना, दैट हैपेंस. अमेजिंग अमेजिंग. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. बहुत मजा आया तुमसे बात करके. सेम एंड आई हियर, एम आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, मॉक्स मैप से हो नहीं पाया, बट दिस दे मेड इट। आई वांटेड टू टॉक टू यू ऑलवेज एंड आरबीआई मेड द ड्रीम कम ट्रू। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट हीला, एंड कांग्रेचुलेशंस थैंक यू अगेन. सर, थैंक आई थिंक यू यू सो हैव मच। मेड एवरीवन प्राउड, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ नाइस टाइम इन आरबीआई. हां, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।